नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज 14 अगस्त को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस एसआई के फिजिकल को लेकर जानकारी दी गई थी। इस नोटिस में दोस्तों उत्तराखंड पुलिस एसआई के फिजिकल की डेट फिक्स की गई है और जो आपका फिजिकल है तो वह दोस्तों 2 सितंबर से होने जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों फिजिकल के लिए जो एडमिट कार्ड जारी होंगे तो वह 23 अगस्त से जारी होंगे, ठीक है। और 2 सितंबर से दोस्तों आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इससे पहले भी कई बार फिजिकल की डेट फिक्स हो चुकी थी पर वह दोस्तों चेंज हुई गर्मी के कारण और दोस्तों लास्ट में 2 सितंबर से आपका फाइनली फिजिकल होने जा रहा है। दोस्तों जब 2 सितंबर को आपका फिजिकल होगा तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि फिजिकल में क्या चीज़ें मांगी गई हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं की है तो दोस्तों आज ही से आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी दोस्तों पुरुषों के लिए मांगा गया है और महिलाओं के लिए मांगा गया है तो वह दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरे फिजिकल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो दोस्तों आपके फिजिकल के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि दोस्तों आप जब पहले फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे तभी दोस्तों आप आगे पेपर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहले आप फिजिकल को क्वालिफाई करिएगा फिर दोस्तों आप पेपर में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पूरी जानकारी को दोस्तों जान लेते हैं, ठीक है। पहले जानेंगे दोस्तों कि टोटल कितने पद थे। तो दोस्तों आपको फिर से याद दिला दूं कि दोस्तों एसआई के जो कुल पद हैं तो वह आपके 222 पद हैं, जिसमें दोस्तों साइंस विभाग से कुछ अलग हैं, ठीक है, और जो नॉर्मली हैं दोस्तों तो वह अलग हैं, ठीक है। जो दोस्तों अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाले पद हैं तो उनकी संख्या दोस्तों 24 है, ठीक है। और 222 में से अगर 24 माइनस करेंगे तो दोस्तों 198 हमारे पास कुल पद बचेंगे, ठीक है, जो कि दोस्तों उपनिरीक्षक और गुल्म नायक वाले पद हैं, ठीक है। तो एक बार दोस्तों पूरी इस चीज़ को हम जान लेते हैं और फिर दोस्तों आगे हम फिजिकल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो हमारा पद नाम है पहला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, इसके दोस्तों कुल पद हैं 108, ठीक है, 65 और प्लस 43, ठीक है। दोस्तों जो उप निरीक्षक वाले पद हैं इनकी संख्या है दोस्तों 65, ठीक है, और जो दोस्तों आपके अभिसूचना वाले पद हैं तो इनकी संख्या है 43, और दोस्तों दोनों को मिलाकर हो जाएगा आपका 108, ठीक है। दोस्तों जो ये हमारा पदनाम था उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना, इसमें दोस्तों 108 पद हुए, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपका वेतन रहेगा तो वेतन आपका दोस्तों 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहेगा और दोस्तों ये पोस्ट आपकी लेवल 7 की पोस्ट है, ठीक है, जो कि दोस्तों आपकी सबसे बड़ी पोस्ट है ग्रुप सी की, ठीक है। दोस्तों अच्छा खासा वेतन है, ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट होती है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों आयु मांगी थी तो वह आपकी 21 वर्ष से 28 वर्ष तक मांगी गई थी, ठीक है, और इसमें दोस्तों स्नातक भी मांगा था, ठीक है। दोस्तों अब देखिए बात करेंगे हम पूरी फिजिकल के बारे में, ठीक है। तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अहिताएँ निम्बत होंगी, ठीक है। देखिए जो पहले दोस्तों आपका शारीरिक नाप जोक होगा, मतलब दोस्तों आपकी चेस्ट हाइट, ठीक है, वेट, ये सब नापा जाएगा, फिर उसके बाद में दोस्तों आपको फिजिकल देने के लिए आगे भेजा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो अनारक्षित मतलब जनरल और एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो दोस्तों उनके लिए हाइट जो मांगी गई तो वह दोस्तों 167.7 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। और दोस्तों महिलाओं की बात करेंगे हम तो महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। दोस्तों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु मतलब एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट मांगी गई तो वह 160 सेंटीमीटर मांगी गई है और महिला एसटी के लिए बात करेंगे हम तो 147 सेंटीमीटर,
ठीक है। और दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो उनकी हाइट मांगी थी 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं की बात करेंगे तो 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी न्यूनतम हाइट की, आपकी कम से कम इतना हाइट होना जरूरी है, ठीक है। अगर दोस्तों इससे कम आपकी हाइट है तो दोस्तों आप फिजिकल में पहले ही बाहर हो जाएंगे। देखिए आगे है दोस्तों सीने की माप, ठीक है। तो दोस्तों चेस्ट, तो चेस्ट में दोस्तों आरक्षित अनारक्षित मतलब जनरल और एससी और दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु जो दोस्तों सीने का माप मांगा है तो वह 78.8 सेंटीमीटर मांगा है, ठीक है। और ये दोस्तों बिना फुलाए है और फुलाने के बाद दोस्तों आपका चेस्ट का माप 83.8 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका फुलाव है सीने का फुलाव तो वह कम से कम 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अगर आप, ठीक है, अगर आपकी चेस्ट 88 सेंटीमीटर है बिना फुलाए और सिर्फ दोस्तों आप 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का फुलाव देते हैं तो दोस्तों आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप अपने चेस्ट को फुलाने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से दोस्तों अपनी चेस्ट को फुला पाएंगे, ठीक है। दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र और एसटी अभ्यर्थियों के लिए जो चेस्ट का माप मांगा गया है न्यूनतम बिना फुलाए तो वह दोस्तों 76.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं दोस्तों फुलाने के बाद न्यूनतम 81.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण है, ठीक है। जब आप चेस्ट और हाइट क्वालिफाई कर लेते हैं तब दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। महिलाओं का दोस्तों वेट भी मांगा है, महिलाओं में कम से कम 45 किलोग्राम वजन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपका इससे कम वजन है दोस्तों तो आप तब भी फिजिकल से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे हम कि अब फिजिकल जो है दोस्तों आपका उसमें क्या क्या चीज़ मांगी गई। तो दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा में, ठीक है, सबसे पहले पुरुषों की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें क्रिकेट वॉल थ्रो मांगी गई है कम से कम 50 मीटर, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आप 50 मीटर वॉल जरूर फेंकेंगे तभी दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। महिलाओं में दोस्तों बात करेंगे हम तो इनकी वॉल थ्रो मांगी है 20 मीटर, ठीक है। लंबी कूद भी दोस्तों पुरुषों में और महिलाओं में भी है, पुरुषों के लिए क्वालिफाई 13 फीट रहेगा और महिलाओं के लिए 8 फीट, ठीक है। दोस्तों चिनिंग अप जो रहेगा केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है सिर्फ 5 बार, ठीक है। अगर आप 5 बार चिनिंग अप कर लेते हैं तो दोस्तों आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों पुरुष रेस की बात करेंगे दौड़ व चाल की तो दोस्तों 5 किलोमीटर रेस मांगी है और 5 किलोमीटर रेस के लिए दोस्तों आपका 30 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। महिलाओं में दोस्तों 200 मीटर की रेस मांगी है और 200 मीटर दोस्तों कम से कम 40 सेकंड, ठीक है, मतलब सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड में आप कर पाएंगे तभी दोस्तों क्वालिफाई होंगे, ठीक है। दोस्तों दंड बैठक केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं जो दो मिनट तीस सेकंड में 40 दंड, ठीक है, और 60 सेकंड में 50 बैठक, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका ये भी मांगा है, मतलब दंड मांगे हैं दोस्तों आपके 2 मिनट 30 सेकंड मतलब 2.5 मिनट में 40 दंड, ठीक है, और उठक बैठक जो मांगी है तो वह दोस्तों 1 मिनट में 50 मांगी है, ठीक है। तो ये था दोस्तों दोनों मेल और फीमेल का फिजिकल के बारे में, ठीक है। महिलाओं में दोस्तों स्कीपिंग भी मांगी गई है, ठीक है, 1 मिनट में 60 बार, ठीक है। और महिलाओं में दोस्तों शटल रेस भी मांगी गई है 29 सेकंड में, ठीक है, 25x4 मीटर की, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ केवल महिलाओं के लिए था। दोस्तों ये जो हमारा फिजिकल है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, आप ये सभी क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दोस्तों मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसे दोस्तों आपका पुलिस फिजिकल था, जैसे आपका बंदी रक्षक फिजिकल था, ठीक है। तो इस प्रकार का यह फिजिकल नहीं है, सिर्फ नेचर क्वालिफाई है सिर्फ, ठीक है। आप ये सब अगर क्वालिफाई कर पाते हैं तो दोस्तों आगे आप, ठीक है, पेपर के लिए योग्य हो पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी फिजिकल को लेकर क्लास, ठीक है, जिसमें दोस्तों हमने फिजिकल के बारे में बताया कि किस प्रकार से आपका फिजिकल
रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या चीज़ इसमें मांगी गई। जिन्होंने अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं किया था तो उन्हें दोस्तों दोबारा पता चल पाया होगा कि हाँ हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों रेस की ज़रूर तैयारी करिएगा, क्योंकि अधिक जो बच्चे फेल होंगे तो वह दोस्तों आपके रेस में ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। जिनका ज़्यादा वेट है, ठीक है, तो वह दोस्तों आपके रेस में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी कुछ उम्मीदें बढ़ जाएंगी, ठीक है, फिजिकल को क्वालिफाई करने की, ठीक है। और आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे तभी दोस्तों आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने फिजिकल के बारे में जाना, ठीक है। ज़रूर दोस्तों आपको हेल्प मिली होगी इस जानकारी को जानकर, ठीक है। तो दोस्तों आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करिएगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।